सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण पटवारी लाइव फ्रॉम एक्चुएटर्स कोलकाता। एंड अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे थे कि हाउ टू टेक IFoA स्टूडेंट मेंबरशिप। सो देर हैज़ बीन अ चेंज इन हाउ टू टेक IFoA स्टूडेंट मेंबरशिप, सो आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट। सो पहले क्या होता था, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता था, आप अगर गूगल में टाइप करते थे IFoA मेंबरशिप फॉर्म, तो यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा है यहीं पर एक डॉक्यूमेंट भी आता था। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग को डाउनलोड करके, भर के, साइन करके, स्कैन करके, इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल मेल आईडी होता था membership@actuaries वाला में हम लोग को उसको मेल करना होता था। बट नाउ द होल प्रोसेस हैज़ चेंज्ड। अब उन्होंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है, उसको अगर हम लोग भर के सबमिट करते हैं तो हमारा मेंबरशिप अप्रूव हो जाता है। नाउ लेट्स चेकआउट व्हाट इज द न्यू प्रोसेस। सो सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल में IFoA मेंबरशिप फॉर्म, जैसा कि मैंने टाइप किया था, एंड आपको ये जो फर्स्ट लिंक है इसमें क्लिक करना है। उसके बाद में लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो लोग बताएंगे बेनिफिट्स एंड सो जॉइन द IFoA टुडे। सो मैंने इस लिंक में क्लिक किया है। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड रेट सब्सक्रिप्शन? नाउ मोस्ट ऑफ यू दोज हु आर टेकिंग IFoA मेंबरशिप, आप लोग मोस्टली स्टूडेंट हो गए, या तो सेकेंड ईयर के, या फिर फर्स्ट ईयर के, या फिर थर्ड ईयर के। तो जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो उस समय हमारा एनुअल इनकम जनरली जीरो होता है, या फिर वो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख इंडियन करेंसी के नीचे तो होता ही है। सो रिड्यूस्ड रेट का इनका क्या नियम है, इफ़ योर एनुअल इनकम इज लेस दैन राउंड अबाउट 7 लाख रुपीज, और आई वुड रादर से 7230 pounds व्हेन आई लास्ट चेक दैट। तो अगर आपका एनुअल इनकम, आपका पर्सनल इनकम, आपके पापा का इनकम आपका नहीं है, ठीक है, सो इफ यू आर अ स्टूडेंट नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स इनकम, सो योर पर्सनल इनकम इज जीरो, सो यू नीड टू टिक ऑन द रिड्यूस्ड रेट बॉक्स। बी वेरी 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 केयरफुल व्हेन टिकिंग ऑन द रिड्यूस्ड रेट फॉर्म, बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका इनकम जीरो है, और अभी आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, एंड आपका इनकम रफली 5-6 लाख के नीचे है, then you are eligible for the reduced rate. So कहीं पर भी अगर आप देखो कि reduced rate में आपको apply करना है, you tick on that box, तब आपको क्या होता है IFoA का reduced rate लगता है, वरना you will be liable to pay the full rates of the examination and the membership. So let's check out how to do this. Now how can you pay? The most safest method is by credit card or debit card, but there are other options as well. You can pay by bank transfer, you can pay by PayPal, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. Okay. सो हाउ टू अप्लाई, देखो इन्होंने इतना बढ़िया से पूरा प्रोसेस दिया है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहां पर, मैं आपको नीचे दिखा देता हूं वो टैब, ये देखो माय एप्लीकेशन में अगर आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा प्रोसेस खुल जाएगा। और वो प्रोसेस क्या है इन्होंने यहां पर दिया है मैं आपको दिखाता हूं। क्रिएट अकाउंट, यू विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अ यूजर नेम एंड एंटर योर ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्लिक द क्रिएट न्यू अकाउंट बटन टू क्रिएट योर IFoA वेबसाइट अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपको IFoA में वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, वो हम लोग सब कुछ जानते हैं, जैसे हम लोग जीमेल में अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं, उस तरीके से हम लोग को IFoA में अपना एक अकाउंट बनाना है। क्रिएट अ पासवर्ड, यू विल बी आस्क्ड टू चूज अ पासवर्ड फॉर योर IFoA वेबसाइट अकाउंट, कन्फर्म योर पासवर्ड एंड क्लिक सेव, देन दिस विल टेक यू टू द पर्सनल डिटेल्स सेक्शन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म। सबसे पहले मेरे को एक अकाउंट बनाना है, मेरे को अपना पासवर्ड को रीसेट करना है, एंड उसके बाद में मेरे को ऑनलाइन फॉर्म में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहां पर मैं अपना पर्सनल डिटेल्स डालूंगा। अच्छा, आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वाला सेक्शन नहीं भरना है इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड, ओके, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप वहां पर सिंपली टिक करोगे वी आर अनएम्प्लॉयड, ओके। आपका एजुकेशन डिटेल्स, अगर आपने जस्ट क्लास 12 पास किया है, एंड आपका आई गेस वहाँ पर सारे कॉलम्स रहेंगे तो आपको वो देख के भरना पड़ेगा। एजुकेशन डिटेल्स जनरली आप जब IFoA का मेंबरशिप भरते हो तो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको वही भरना होता है, या फिर आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपको वही भरना होता है। यू विल बी आस्क्ड फॉर डिटेल्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। तो पहले क्या होता था, वो लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, जैसे 12 में आपका मैथ्स में इतना आएगा तो ही आपको मेंबरशिप देंगे। सो यू विल नॉट नीड टू अपलोड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और यहां पर पेमेंट मेथड के बारे में भी दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर रिड्यूस्ड रेट मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फीस बाय कंप्लीटिंग दिस सेक्शन ऑफ द फॉर्म। नाउ डिक्लेरेशन, वो लोग आपसे मांगते हैं कि आपने जो भी सारा इंफॉर्मेशन दिया है वो कि ट्रू एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज के लिए है।
इट विल टेक अप टू 3 वीक्स. पहले क्या होता था, ये जो 3 वीक्स था पहले, ये 5 वीक्स था. बट दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम आर IFoA इंस्टीट्यूट, कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के, वो जो प्रोसेसिंग टाइम है फॉर्म का, जिससे कुछ बच्चों लोग का एग्जाम भी छूट जाता था, अब वो चीज़ नहीं होगा, बिकॉज इट विल टेक अप टू 3 वीक्स. पहले ये 5 वीक्स था, अब ये 3 वीक्स हो गया. ओके, सो आपको पेमेंट कब करना है? पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, एंड देन आपका जब इट विल टेक अप टू 3 वीक्स फ्रॉम व्हेन वी रिसीव योर पेमेंट टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन. सो आई गेस पहले से अभी ये जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है, तो पहले आपसे वो लोग पेमेंट ले लेंगे, एंड देन 3 वीक तक टाइम लग सकता है टू प्रोसेस. लेकिन पहले क्या होता था, पहले आप अपना एप्लीकेशन भेजते थे, वो कंफर्म होता था, देन यू मेक द पेमेंट. बट आई थिंक सो इट विल टेक अप टू 3 वीक्स फ्रॉम व्हेन वी रिसीव योर पेमेंट टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन. सो एक बार मैं पेमेंट वाले में जाता हूं. आप एग्जाम्स कब बुक कर सकते हो? जब आप IFoA के एक स्टूडेंट मेंबर बन जाते हो तभी आप एग्जाम बुक कर सकते हो. बट द इंस्टीट्यूट हैज ओपन द विंडो फॉर द नॉन मेंबर सेक्शन, जहां पर अगर आपको CM1 या फिर CS1 अपियर करना है एज अ नॉन मेंबर, तो आप बिना मेंबरशिप के भी अप्लाई कर सकते हो सिंपली बाय मेकिंग द पेमेंट एज अ नॉन मेंबर. ओके, वो जो नॉन मेंबर का जो फॉर्म है वो हमारे यूट्यूब अकाउंट पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि हाउ टू फिल अप द नॉन मेंबर्स एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म. लेकिन वो आपको अभी नहीं करना है, वो जो विंडो है वो जुलाई में खुलता है, व्हेन द एग्जाम रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन्स, उस समय आपका नॉन मेंबर वाला खुलता है. बट दिस वीडियो इज फॉर हाउ टू टेक द मेंबरशिप, स्टूडेंट मेंबरशिप. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट मेंबरशिप? अगर मान लो कि आपने CM1 क्लियर कर लिया, आपने फर्स्ट एग्जाम में CM1 दिया एंड आपने क्लियर कर लिया, देन आपको स्टूडेंट मेंबरशिप लेना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो मैं आपको दिखाता हूँ, आई डोंट नो हाउ फार विल आई एबल टू गो बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट मेंबर ऑफ द IFoA, बट मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि मैं आपका जितना हेल्प कर सकूँ मैं आपका करूँगा. सो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 2 टैब आ रहा है. If you are a non-member and already have an ARN number, now what is ARN number? For example, मैं कोई भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा होता तो मेरा एक आइडेंटिटी होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ARN इज फॉर एग्जाम्पल 9257657. दिस इज माई ARN नंबर, एक्चुअल रेफरेंस नंबर. ओके, सो आप जब नॉन मेंबर का फॉर्म भरते हो तो उस समय वो लोग आपको एक ARN प्रोवाइड करते हो, उस ARN से आप लॉग इन करके पेमेंट करते हो. तो अगर आप बिना कोई एग्जाम दिए मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास ARN नहीं होगा. ओके, तो अगर मान लो कि आप फर्स्ट टाइम बिना कोई एग्जाम दिए मेंबरशिप ले रहे हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है. बट अगर आप नॉन मेंबर से एग्जाम दे के क्लियर कर चुके हैं तब आप मेंबरशिप ले रहे हो, तो आपको बस खाली लॉग इन करना है. आई होप सो आई मेड माय सेल्फ क्लियर. सो लेट्स सी क्रिएट अकाउंट में क्या आता है. आप देख सकते हैं जैसे यूजर नेम वो लोग बोल रहे हैं, ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इस सबका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. एंड याद है उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है. सो लॉगिन में क्या आता है देखते हैं. आप जब अपना पासवर्ड, आपके मेल में एक लिंक आता है, सब अपना पासवर्ड को रीसेट करते हो. आप जब अपना पासवर्ड रीसेट कर लोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन करोगे. ओके, तो लॉगिन करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें बाकी सब डिटेल्स तो बहुत ईजिली आप भर पाओगे. बट वॉट आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पार्ट इज दैट कि आपको अपना वो जो रिड्यूस्ड रेट है उसमें एकदम देख के टिक करना है. बिकॉज आई होप सो मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, एंड जो स्टूडेंट होते हैं उनका पर्सनल इनकम 0 होता है. यू मैंने बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाती है कि वो लोग सोचते हैं मेरे पापा का इनकम तो 10 लाख से ऊपर है तो मेरे को तो रिड्यूस्ड रेट वाला नहीं मिलेगा. नहीं, ये आपके इनकम के बारे में बात कर रहा है, पर्सनल इनकम के बारे में बात कर रहा है. ओके, एंड इफ दे आस्क यू इन एनी सेक्शन की होम यूर डिपेंडेंट, सो यू शुड से पेरेंट्स, और आप जिसमें भी डिपेंडेंट हो फॉर योर फाइनेंशियल थिंग्स. ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द चेंज दैट दे हैव मेड. सो आप लोग को मेरा पुराना मेंबरशिप वाला वीडियो नहीं देखना है, दिस इज द न्यू मेंबरशिप वीडियो ऑन हाउ टू टेक IFoA मेंबरशिप. थैंक यू. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो. माय नंबर इज 8100598543, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, यू विल बी रिप्लाइड एज सून एज पॉसिबल.
सो इसको खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है. सो माई नंबर इज 8100 598543. ओके, थैंक यू.